welcome back in the listening academy. In Florida, इस स्कूल की बात चल रही थी IT 402 क्लास 9 के लिए हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और सेशन 1 में हमने जाना था कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन होता क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर क्या होता है, इफेक्टिव राइटर क्या होता है, हम इन सभी चीजों के बारे में हमने जाना था। आज हम बात करेंगे, आज हम इसका सेशन 2 के बारे में बात कर रहे हैं और सेशन 2 हमारा है वर्बल कम्युनिकेशन पे। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कहता है कि जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन हम करते हैं अपने डेली लाइफ में, हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में, उसमें से ज्यादा कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि हम इंफॉर्मेशन को वर्ड्स के फॉर्म में शेयर करते हैं और ये बड़ा कॉमन सा मेथड है कम्युनिकेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू डू नॉट यूज टू राइट द प्रॉपर वर्ड्स। अगर आपको प्रॉपर वर्ड्स यूज करने नहीं आता है, अगर आपको वर्बल कम्युनिकेशन स्किल नहीं है आपके अंदर और आप प्रॉपर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यू विल कॉज टू कंफ्यूजन और आप इस स्थिति में नहीं होंगे कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर वे, तो आपका कम्युनिकेशन अधूरा रह जाएगा, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और आप प्रॉपरली जब कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो जो आपका पर्पस था, इंप्रेशंस का है, जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, वो एक्सप्रेशंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके बारे में जानना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशंस। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्बल कम्युनिकेशंस है आपका यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज द ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। क्या है हमारा, वो ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन है। ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन का मतलब हो गया फेस टू फेस कन्वर्सेशन। यहाँ पे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने बैठ के बातचीत हो रही होती है, एकदम आई कॉन्टेक्ट के साथ बातचीत हो रही होती है, जिसे हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन करना, लोगों के साथ टॉकिंग करना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, पब्लिक प्लेस पे, तो दिस इज कॉल्ड फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है टॉकिंग ऑन फोन। जब आप फोन पे बात कर रहे होते हैं किसी से, तो ये क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन, जहां पे आप लिसनर को देखते तो नहीं है बट स्टिल यू आर गोइंग टू टॉक लाइक अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन। फीलिंग ऐसी ही होती है जैसे कि आप कॉल करते हैं फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को। यहाँ पे आप हेलो से कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं और बाई से कम्युनिकेशन को या थैंक यू से खत्म कर देते हैं। वन टू मेनी कन्वर्सेशन, यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रुप डिस्कशंस की बात हो रही है, ग्रुप मैसेज एड्रेसिंग की बात हो रही है, जहाँ पे एक पर्सन एक से अधिक व्यक्ति को क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है। जैसे कि कोई स्पीच देने वाला स्पीच दे रहा होता है, क्लास में टीचर्स बच्चों को टीच कर रहे होते हैं, बिजनेस डिस्कशन हो रहा होता है, तो ये क्या हमारा वन टू मेनी कन्वर्सेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन के बाद जो वर्बल कम्युनिकेशन की दूसरी कैटेगरी है वो है रिटन कम्युनिकेशन। दूसरा रिटन कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जहां पे आप लेटर्स और टाइप वर्ड्स की मदद से कम्युनिकेट करते हैं, जहां पे आप कुछ लिखते हैं, लेटर्स देते हैं, नोट्स देते हैं, ईमेल्स देते हैं, जहां आप शॉर्ट मैसेजेस के द्वारा भी मैसेज प्रोवाइड करते हैं, आप लिख के मैसेज दे रहे होते हैं शॉर्ट मैसेजिंग के थ्रू, ईमेल के थ्रू भी आप मैसेज कर सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशंस करने का हमारे पास कई सारा ऑप्शंस हैं, आप लेटर्स दे सकते हो, आप एसएमएस दे सकते हो, आप ईमेल लिख सकते हो, आप बुक्स एंड न्यूज़लेटर के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। किसी ने बुक लिख दिया तो वो अपनी पूरी थॉट्स आपके साथ शेयर कर सकते हो, किसी ने न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिख दिया तो वो पूरी थॉट्स अपनी थॉट्स को आपके साथ शेयर कर रहा है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है। तो दो तरह से हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, एक हमारा ओरल होता है और एक हमारा रिटन होता है। ओरल में क्या होता है, जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो ये मेरा ओरल कम्युनिकेशन है, लेकिन आपके स्क्रीन पे जो लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका, रिटन कम्युनिकेशन है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, हमें क्या फायदा मिलेगा अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज इजी एंड क्विक, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट आसान है और इजी हो जाता है, किसी को भी बोलना आ जाता है, हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ ही हम बोलना सीख जाते हैं। एंड यू कैन इजिली गेट द रिस्पॉन्स। कई बार क्या होता है, जब आप किसी को मैसेज भेजते हो तो मैसेज का रिप्लाई आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जब आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो तो आप खुद की रिस्पॉन्स लेते हो, वहां पे मैसेज का भी रिस्पॉन्स क्विक होता है। इजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जब भी आपको आइडियाज एक्सचेंज करने हैं तो सबसे आसान तरीका होता है, यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द अदर पर्सन रिप्लाई। आप सामने वाले के मोमेंट को देख के, उसके रिप्लाई को देख के अपने कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन का जो तरीका है आप उसे चेंज कर सकते हो। इट्स हैज सम डिसएडवांटेजेस आल्सो, इसके कुछ अपने डिसएडवांटेज भी हैं वर्बल कम्युनिकेशन के।
क्या डिसएडवांटेज है जरा उसको देख लें। तो वर्बल कम्युनिकेशंस का जो डिसएडवांटेज है वो है हमारा सबसे पहले, द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी समझ में नहीं आती, तो हमारे आपके बीच में क्या है कल्चर डिफरेंस होता है। आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड समवन इज अंडरस्टैंडिंग ओनली इंग्लिश, तो देयर इज अ कम्युनिकेशन डिफरेंस। तो ये जो कम्युनिकेशन डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे हमें वर्बल कम्युनिकेशन हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। द वर्बल कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन द वर्ड्स एंड समटाइम्स इट्स हैपन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इज गेट कंफ्यूज्ड, यू आर यूजिंग द सम वर्ड्स, दैट वर्ड कैन बी यूज फॉर द अदर पर्पस ऑल्सो। आपके घर की भाषा में आप कई बार देखिए, आप घर के अंदर जो किचन के सामान होते हैं लोग कई तरह से उसे यूज करते हैं, कोई उसे कुछ और बोल रहा होता है, कोई उसे कुछ और बोल रहा होता है, तो दैट इज द वर्ड्स डिफरेंसेस, कि सामान एक ही है लेकिन उसको अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, वर्बल कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मतलब क्या है कि आप एक साथ कई लोगों को एड्रेस कर सकते हो, कई लोगों से बात कर सकते हो, ये इसका एक पॉइंट एडवांटेज पॉइंट। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट द इजी फॉर एवरीवन, हर कोई स्टेज पे खड़ा होकर बोलने की क्वालिटी नहीं रखता है या नहीं बोल पाता है। तो स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। होता क्या है कि जब एक व्यक्ति को स्टेज पे माइक के सामने बोलना होता है तो वो नर्वस हो जाता है, वो प्रॉपरली नहीं बोल पाता है। अब इस नर्वसनेस को कैसे दूर करोगे, हाउ यू ओवरकम दिस नर्वस, तो इसके लिए जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स है दैट मेथड इज कॉल्ड 3 P's मेथड। अभी पीछे हमने ना 7 C's मेथड को पढ़ा था, ये क्या हमारा 3 P's मेथड है। 3 P's क्या कहता है, प्रिपेयर प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। कहता है कि अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहते हो, आप अच्छे तरीके से पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो, कॉन्फिडेंट के साथ करना चाहते हो, तो आपको इस 3 P's के रूल्स को फॉलो करना होगा। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्रिपेयर योर टॉपिक, अपने टॉपिक के बारे में सोचो, आपको क्या बोलना है, आप उस लिसनर्स के नीड्स को समझो कि उसकी आवश्यकता क्या है, और आप उसी की भाषा में उसी की तरह उससे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो एक्चुअली क्या चाहता है इस टॉपिक से, इसे आप आइडेंटिफाई करो। अच्छा, अब इसी चीज को बोलने का, जो वो चाह रहा है, जो आप बोलना चाह रहे हो, उस टॉपिक को कितने अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, कितने अलग अलग तरीके से रखा जा सकता है, वो अलग अलग डिफरेंट मेथड्स को फाइंड आउट करो, वेज फाइंड आउट करो, नोट्स बनाओ उसके ऊपर, बुलेट पॉइंट्स बनाओ उसके ऊपर, उसको देखो, उसको कन्वे करो, क्या कन्वे करना है, क्या डिस्कस करना है, उसका बुलेटिंग पॉइंट्स करो, उसके कुछ पॉइंट्स डाउन राइट डाउन करो। अब जब आपने इन सारा नोट्स तैयार कर लिया, आपने सोच लिया, एक सिनेरियोस तैयार हो गया आपके माइंड के अंदर में कि आपको ये बातें करनी है, इस तरीके से बातें करनी है और इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, ये मुख्य बातें हैं जो हमें कहनी है, प्रैक्टिस करो उस चीज की, उस चीज को बोल के देखो। कमरे में अकेले हो तो मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, फैमिली मेंबर के साथ बातें करो, उनको सुनाओ, उनसे पूछो, टेक द सजेशन, लाउडली बोलो, क्लियर बोलो, प्रॉपर स्पीड के साथ बोलो, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी है कि तुरंत खत्म कर देंगे, तो प्रॉपर बैलेंस, एक पेस तैयार करो अपनी। एंड एट लास्ट आपने प्रिपेयर भी किया, आपने प्रैक्टिस भी किया, तो अब आपको परफॉर्म करना होगा। तो परफॉर्म कैसे करोगे, पानी पियो, लंबी सांसें लो, अगर नर्वसनेस फील हो रही है तो कुछ पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड्स के अंदर में रखो, नर्वसनेस को खत्म करो, ये सोचो कि आपने अच्छी तैयारी की है, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, तो आप अच्छे से बोलोगे। तो दिस इज अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशंस। इसके कुछ मैंने MCQs दे रखे हैं आपके लिए, जहाँ पे आप इस MCQ को सॉल्व करके देखना, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल ओरल कम्युनिकेशन का करेक्ट क्या होगा, अब रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, नोट्स, फेस टू फेस कन्वर्सेशंस। तो ओरल कम्युनिकेशन के लिए जो करेक्ट एग्जाम्पल है वो है फेस टू फेस कन्वर्सेशन। When we communicate verbally, we should use, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे वर्ड्स यूज करना चाहिए, हमें सिंपल वर्ड्स यूज करने चाहिए। क्यों, टिपिकल वर्ड लोगों की समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजिंग वर्ड में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एब्रिविएशन लोगों की समझ में नहीं आ सकता, तो यूज ऑलवेज सिंपल वर्ड्स। व्हाई डू वी सेंड ईमेल्स, हम ईमेल्स क्यों भेजते हैं, ताकि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। हम ये नहीं कि हम ईमेल इसलिए भेजते हैं कि टाइम पे पहुंच सके, ईमेल इसलिए भेजते हैं कि हम टॉक भी करते हैं, लेकिन हम टॉक भी कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स को शेयर करना चाहते हैं, तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। कुछ शॉर्ट आंसर्स भी मैंने आपके लिए दिए हैं, जो आप सॉल्व करके देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस क्या है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, 3 P's क्या होता है, एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है।
या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं करके। तो अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर और विजुअल कम्युनिकेशन के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो को पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। थैंक्स।